नासिर हुसैन उस्ताद साहब ही वो शख्स हैं जिन्होंने मजबूती के साथ मिल्लत के हक में आवाज उठाई है। कांग्रेस के लीडर्स ने, कांग्रेस के कायदीन ने अलंद की दरगाह हजरत लाडले मचाक अंसारी में पूजा करने की इजाजत दी। वो जो खामी पैदा की गई थी, वो जो नादानी हुई थी, उसकी वजह से वहां पर 165 लोग गिरफ्तार हुए। चाहे कोई भी पार्टी में चले जाएं, कितने भी फिरका परस्त क्यों ना हो, उनको दोबारा से वापस मौका देना कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। देखिए, ये जो इलेक्शन है ये बहुत इंतहाई अहमियत का इलेक्शन है और आने वाले वक्त के लिए एक मोड़ देने वाला इलेक्शन है, क्योंकि हमारी नई नस्लों को, आने वाली नस्लों को हमें क्या नसीहत देनी है, हमें उनके लिए क्या मौके फराहम करने हैं, उनके हालात कैसे बेहतर करने हैं, यही इलेक्शन से हम लोगों को साबित करना है। आज गुलबर्गा शहर में एक साजिश हुई है। जो मौजूदा एमएलए हैं वो सभी जानते हैं कि उनको हमदर्दी की बिना पर खमरुल इस्लाम साहब की अहलिया होने की वजह से उन्हें पिछले इलेक्शन में मौका दिया गया था। दोबारा से उनको फिर एक बार सामने लाकर खड़ा करना, जबकि वो पूरी तरीके से मिल्लत के मसाइल में उनको उठाने में और अवामुन्नास के बीच में रहने में नाकाम हुई हैं, उसके बावजूद उनको दोबारा से लाकर खड़ा कर दिया गया है। वजह यह है कि हमारे बीच में कोई क़यादत बाकी ना रहे, कोई लीडरशिप बाकी ना रहे। वहीं पर तमाम तर जितने भी तबके होते हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ होते हैं, चाहे वो कोई भी समाज रहने दीजिए, उन समाज की एक लीडरशिप होती है और उस लीडरशिप को मौका दिया जाता है असेंबली में जाकर अपनी बात को, अपनी नुमाइंदगी रखने का। पिछले महीनों में ही कई सारे समाज के बड़े जिम्मेदारों को जो दूसरी पार्टियों में मौजूद थे, जो फिरका परस्त पार्टी में कहा जाता है, हम लोग बीजेपी को जो है फिरका परस्त मानते हैं, वो पार्टी से वापस दोबारा से कांग्रेस के अंदर शामिल किया गया, क्योंकि वो समाज के बड़े जिम्मेदार हैं और वो चाहे कोई भी पार्टी में चले जाएं, कितने भी फिरका परस्त क्यों ना हो, उनको दोबारा से वापस मौका देना कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है। लेकिन हमारी कौम के लिए वो समझते हैं कि हम उनका एक महज एक वोट बैंक है, हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वो वोट डालने वाले लोग हैं जो हमारी आवाज़ें नहीं हैं, हम लोग खामोशी से अपना मजबूरी के तहत वोट डाल देते हैं और उम्मीद नहीं करते हैं कि हमारे मसाइल के बारे में कोई बात करे। आज वक्त की अहम ज़रूरत है। हम लोग 40 साल ये शहर ये देखा है, ये हम लोग ये मौका दिए हैं, एक मजबूत क़यादत को बोलकर हम लोग मौका देते आए हैं। आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम एक बार नहीं, फिर एक बार नई क़यादत को मौका दें और आने वाले इंतखाबात में एक मजबूत लीडरशिप को असेंबली में जाने का मौका दें। हालात बहुत मुश्किल हैं, हम लोगों ने देखा है CAA NRC में किस तरीके से आज आपके बीच में नासिर उस्ताद साहब मौजूद हैं, कि किस तरीके से उन्होंने क़यादत की है, तमाम तर लीडर्स उनके पीछे आ गए, वो मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा हो या कोई और लीडर हो, वो उनके पीछे आ गया। बज़ाहिर वो बताने की कोशिश कर रहे हों कि हम लोग हर मसाइल में सामने रहे हैं, लेकिन हकीकत ये बात पूरा शहर जानता है कि सिवाय नासिर हुसैन उस्ताद साहब के CAA NRC हो या फिर कोई और दूसरा मिल्ली मसाइल हो, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, शान अकदस में गुस्ताखी करने का मामला हो, नासिर हुसैन उस्ताद साहब ही वो शख्स हैं जिन्होंने मजबूती के साथ मिल्लत के हक़ में आवाज़ उठाई है। आज ज़रूरत है हमें इस बात की कि अलंद जैसे मसाइल अगर हम चाहते हैं कि दोबारा ना हो, जिसके अंदर मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा का बहुत अहम रोल रहा है, अहम किरदार रहा है, जहां पर पूजा की इजाज़त दी गई DC और BJP के साथ मिलकर कांग्रेस के लीडर्स ने, कांग्रेस के कायदीन ने वो इजाज़त दी थी कि अलंद की दरगाह हजरत लाडले मशाक अंसारी में पूजा करने की इजाज़त दी गई। वो जो खामी पैदा की गई थी, वो जो नादानी हुई थी, उसकी वजह से वहाँ पर 165 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें से 10 हमारी माएँ बहनें भी शामिल थी। आज कहीं पर भी वो मसला हो सकता है और वो मसले के लिए खड़े रहने वाले शख्स को अगर हम दोबारा से हम लोग मौका नहीं देंगे और उन्हें मुसलसल जो दो बार इलेक्शन लड़कर वो आपके बीच में अवामुन्नास के मसाइल हल करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनको मौका नहीं देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कोताही होगी और हम एक नए इनकलाब को दोबारा से पैदा करने में, जिसमें हमारी मजबूत लीडरशिप हो, वो करने में नाकाम हो गए अगर हम मोहतरमा को दोबारा से
मौका देते हैं असेंबली में जाने का। आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि एक नई क़यादत को जो मुसलमानों के हक़ में पूरे हैदराबाद कर्नाटक में आज एक वाहिद शख्स जो आवाज़ उठा रहा है उसको मौका देंगे, तभी जाके हमारे मसाइल बिदर से लेकर रायचूर तक के लिए जो मुसलमानों के हकूक़ के लिए बात करता है उसको हम हमारे मसाइल के बारे में बात करने के लिए, हमारे हकूक़ के लिए लड़ने के लिए हम असेंबली में भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि नासिर साहब दो बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, इस बार अगर हम उन्हें मौका देते हैं तो एक मजबूत आवाज़ हमारे बीच में से उठकर असेंबली में जाएगी।